हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अबेल थ्योरम की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म पर हम वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं भाई, तो आज हम सेकंड फॉर्म को करेंगे। क्या है अबेल्स थ्योरम और उसकी कौन सी फॉर्म करेंगे भाई? हम सेकंड फॉर्म करेंगे, तो इसको करेंगे भाई आज हम कंप्लीट। क्या है इसकी स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट है भाई कि लेट एक पावर सीरीज ए एन एक्स की पावर एन, ये एक पावर सीरीज मान ली भाई ए एन एक्स की पावर एन, बी ए पावर सीरीज। क्या है ये? पावर सीरीज विद फाइनेट रेडियस के साथ, माने विद फाइनेट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है? फाइनेट है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, ठीक है ना। एक फाइनेट एक पावर सीरीज है और फाइनेट रेडियस कन्वर्जेंस, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइनेट है और आर मान लिया हमने। और किस तरह से है कि वो, मतलब मैं लिख देता हूँ, जो पावर सीरीज है ना ए एन आर एक्स की पावर एन और जो मोड एक्स है वो लेस देन आर है भाई, ठीक है ना। मोड एक्स है लेस देन आर है, तो हमने ये बताना है कि इफ द सीरीज समेशन ए एन एक्स की पावर एन कन्वर्जेज, जो कन्वर्ज कर रही है भाई ये एट एंड पॉइंट एक्स इज इक्वल टू आर, एंड पॉइंट एक्स इज इक्वल टू आर पर ये पावर सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो देन हमें ये दिखाना है कि जो लिमिट है एक्स टेंड टू आर का लेफ्ट, जो फंक्शन है पावर सीरीज यहाँ पर इसकी इक्वल हो जाएगी भाई पावर एन, यहाँ आर की पावर एन होगा भाई, ठीक है ना। तो हमें ये दिखाना है। तो देखो, इसको दिखाने के लिए स्टेटमेंट थी पावर सीरीज है भाई, फाइनेट रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो फाइनेट है, तो फंक्शन मतलब ये इस तरह से पावर सीरीज है और मोड एक्स लेस देन आर है, तो सीरीज है ना ए एन एक्स की पावर एन कन्वर्ज कर रही है एंड पॉइंट पर। और फिर देन हमें क्या दिखाना है कि लिमिट एक्स आर के लेफ्ट के लिए जो फंक्शन होगा वो समेशन ए एन आर एन हो जाएगा। इसको करने के लिए भाई हम प्रूफ की तरफ पढ़ेंगे। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वी शो दैट देर इज नो लॉस ऑफ जर्नलिटी, ठीक है ना भाई, नो लॉस ऑफ जर्नलिटी। इफ वी टेक आर इज इक्वल टू वन, अगर हम r को 1 लेते हैं एंड पुट x इज इक्वल टू आर वाई और x को आर वाई पुट करते हैं, सो दैट ताकि जो सीरीज है ना an x की पावर n है भाई, यहां ध्यान रखना है आपने x की पावर n ये है। तो अब हमने क्या कराया है, x को ये पुट कर दिया ना आर वाई, तो क्या हो जाएगी सीरीज, तो r की पावर y और इसकी पावर n हो जाएगी भाई, है ना। r y इसकी पावर n होएगी, तो ये n यहाँ अप्लाई कर सकूँगा अलग अलग से, तो अलग अलग अप्लाई करूँगा भाई, कर दी, ठीक है। तो मैं क्या कह दूँगा, अब मैं जो ये पूरी चीज़ है ना ये, इसको मैं bn एन मान लूँ भाई एक तरह से, ठीक है। क्या करें भाई, ये था ये पावर सीरीज, तो ये तो मान के ही चले हम, तो x की पावर n है तो x की जगह हमने आर वाई पुट कर दिया, आर वाई पुट करने के बाद ये आर की पावर, ये पोल की पावर एन है तो अलग अलग अप्लाई कर दी, इंडिविजुअल अप्लाई करने के बाद इस पावर, इसको मैंने बी एन लिख दिया मतलब। तो फिर हम ये बता देंगे कि भाई वेहर, मतलब बी एन की वैल्यू क्या है, बी एन की वैल्यू है जी ए एन आर की पावर एन, है ना, ये बता दिया भाई हमने। तो अब क्या करेंगे भाई, नाउ दिस इज पावर सीरीज, ये भी पावर सीरीज है, वो
ये ए एन एक्स एन थी, ये बी एन वाई एन है तो पावर सीरीज ये बी है ना। जो ये बी की पावर एन में नहीं होगा, ये बी एन नीचे मान लेंगे, जैसे ए एन नीचे है ना इसी तरह से नीचे। तो अब ये जो बी एन की वैल्यू है हमने ये बता दी ए एन आर की पावर। नाउ दिस इज ए पावर सीरीज। ये क्या है भाई, एक पावर सीरीज है विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लेंगे भाई हम इसका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसका आर था तो इसका मान लेंगे भाई आर डैश मान लेंगे, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर डैश, ठीक है वे आर। फिर भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा आर डैश। वैसे फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ बता देता हूँ, फार्मूला होता है देखो आर इज इक्वल टू वन बाई ए की पावर एन, वन बाई एन मोड होता है और लिमिट अप्लाई होती है, ये फार्मूला है ना। तो आर डैश के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर डैश के लिए अप्लाई करेंगे तो ये होगा भाई वन बाई बी एन, सॉरी बी एन नीचे है भाई ध्यान रखना है, और वन बाई एन इसकी पावर और लिमिट अप्लाई करेंगे है ना। ये है तो फिर हमने बता रखा है भाई इसकी बी एन की वैल्यू क्या थी, बी एन की वैल्यू थी भाई ए एन आर की पावर एन, और फिर यहाँ अप्लाई होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला ही लगाया है और ज़्यादा कोई महाभारत नहीं पढ़ी हमने यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, देखो अब लिमिट तो चली रही है लिमिट, और ए एन वन बाई एन देखो इस पर अलग अप्लाई कर दी पावर, तो ये तो इसकी पावर तो ये एस एज इट इज आ जाएगी, और आर की पावर एन और वन की पावर एन है ना आपस में कैंसिल हो जाएगी तो बाहर क्या आएगा आर आएगा, ठीक है। और अभी अभी मैंने बताया था भाई कि आर का फार्मूला क्या था, वन बाई लिमिट अप्लाई करेंगे ए एन वन बाई एन, बताया था ना ये किसके इक्वल था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला था, देखो वहां मैंने वैसे बताया था शॉर्ट में, तो वही फार्मूला है। अब ये पूरी चीज क्या है, ये आर के इक्वल है, देखो बिल्कुल आर के इक्वल है, और यहाँ पर हमने पता है चल गया कि ये एन से एन कटने के बाद बाहर आर आ गया, तो है ना आर आ गया ना मोड आर मतलब आर ही रहेगा, तो अब ये आर हो गया, तो टोटल रिजल्ट इसका तो आर आ गया और नीचे आर है ही, आर से आर कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर हमारी जो आर डैश है, आर डैश ये इनपुट करें मतलब इसकी आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई वन, ठीक है भाई आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई वन। आर डैश की वैल्यू वन आने के बाद तो हम कह देंगे कि भाई सो इफ एनी पावर सीरीज, एनी पावर सीरीज इज गिवन, कोई भी पावर सीरीज गिवन है भाई हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफॉर्म, हम उसको क्या कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अनदर पावर सीरीज। क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी पावर सीरीज गिवन है तो हम उसको अनदर पावर सीरीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अनदर पावर सीरीज, और कैसी रेडियस के साथ, विद यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ, रेडियस ऑफ यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ भाई है ना। हमने यूनिट रेडियस दिखा दी थी ना उसकी, वन में चेंज कर दी थी हमने, तो ये हो गया भाई। तो हम क्या कह दिया कि हैंस हैंस वी कैन टेक आर इज इक्वल टू वन है ना, आर इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई यहां तक समझ में आया है ना। आगे देखो, आगे हमने क्या करा कि दस इस प्रकार नाउ इट इज सफिशियंट टू परू, सफिशियंट टू परू, यह है पर्याप्त होगा हमारा परू करने के लिए अगर हम परू दैट समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटिव, एन जीरो टू इन्फिनिटिव ए एन जो हमारी पावर सीरीज है, ये जो बी ए पावर सीरीज
विद यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड लेट एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ए एन एक्स एन, और मोड एक्स कहाँ है भाई, लेस देन वन है, ठीक है ना। तो हमने क्या बता दिया कि भाई ये प्रूव करने के लिए पर्याप्त होगा कि पावर सीरीज है वो विद यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाए, और लेट फंक्शन ये है भाई, ठीक है ना। तो अब आगे देखो क्या करें, हमने एक बात दे रखी है, इफ द सीरीज ए एन, जो सीरीज ए एन है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ना, ये गिवन था भाई हमारे स्टेटमेंट में, तो देन क्या होगा, लेट एस प्रोसीड टू प्रूव। तो हम क्या प्रूव करने की तरफ चलेंगे, मतलब हम क्या प्रूव करेंगे, देखो हमने क्या कराया कि एस एन है ना भाई, जो एस एन को हम क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि भाई ए नोट प्लस ए एन प्लस ए टू अप टू प्लस ए एन तक, भाई ये सभी जो ए नोट ए वन ए टू अप टू ए एन तक जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, ए एन बन जाएगा ना। और एक बात और बता देता हूँ कि जो एस माइनस वन है ना ये जीरो है भाई, ठीक है, और समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन अगर है तो वो एस है भाई, ठीक है। तो देन अब देखो भाई, यहां से देखो हम क्या करेंगे, एन जीरो टू एम ए एन एक्स की पावर एन। तो अब यहां देखो, ये हमने एक टर्म, मतलब देन वी कंसीडर कह सकते हैं, हमने ये टर्म मानी है, अब इसी से हमारा काम होगा आगे सारा। तो ये है समेशन एन जीरो टू एम, ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू एस एन एस एन माइनस वन, ये इस टर्म, इस बात को समझने के लिए एन की वैल्यू कैसे, देखो अगर हम ये कह दे, एक एपी कह दे दो चार छ आठ, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे एस वन ए वन के बराबर होगी, ए वन कह लो या भाई पहली टर्म का जोड़ या पहली टर्म कह लो, ये सेम बात है। अगर एस टू निकाल ले तो हम हमारा क्या होगा, ये चार दो छ छ हो जाएगा ना, एस टू दो टर्म होगा योग। अगर हमें डायरेक्ट ए टू टर्म चाहिए सम के माध्यम से, तो हम क्या करेंगे, एस टू माइनस एस वन, भाई दो टर्म को जोड़ लो, कितना हो जाएगा छ, तो एस टू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो छ, और एस वन की वैल्यू कितनी है दो, तो हमें ए टू टर्म मिल जाएगी ना चार, और ए टू क्या थी, चार ही थी ना। इसी तरह से अगर हम ए थ्री से मिले तो हमें क्या हो जाएगी, मतलब थ्री है तो थ्री और फिर एस में एक कम। इसी तरह से हम अगर एंथ टर्म को निकाल ले तो यहाँ एन है तो यहाँ एस एन और फिर एक यहाँ कम तो एस एन माइनस वन। तो भाई इसलिए ए एन की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, और एक्स की पावर एन है, ये समझाने के लिए था भाई, ठीक है ना। तो यहाँ तक आगे भाई, हम यहाँ तक आने के बाद अब देखो जो ये चीज है, ये लेफ्ट मेंबर इसी तरह चल रहा है, इस चीज को मैं ये कर सकता हूँ एन जीरो टू एम, आगे कुछ नहीं करता मैं, अब इसकी मल्टीप्लाई करते कर देता हूँ अलग अलग, एस एन एक्स की पावर एन इसको अलग दे दिया, और इसी तरह से समेशन इसको अलग दे देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एन जीरो टू एम एस एन माइनस वन एक्स की पावर एन, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने काम कराया है, तो भाई यहाँ तक हमने कर लिया था, अलग अलग अप्लाई कर दिया था, है ना, ए एन की वैल्यू रखने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दी थी। अब आगे देखो भाई, जो ये टर्म है ये एम तक है भाई, है ना, अगर मैं इसकी एम टर्म को निकालना चाहूँ, मैं रफ काम जो समझाने का काम कर रहा हूँ वो यहाँ कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो जो एम एम टर्म इसकी निकाले तो एम पुट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, एस एम एक्स की पावर एम, एम पुट हो जाएगा। तो एम टर्म इसकी ये है भाई, तो इसकी एम टर्म मैं निकाल रहा हूँ भाई, ठीक है ना, वो एम टर्म मैंने निकाल दी भाई इसकी, एस एम एक्स एम, एम पुट हो जाएगा भाई एम टर्म निकालेंगे तो। अब इसमें से एक टर्म निकली है तो एक कम हो जाएगी ना, तो ये समेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, एम तक था, एक टर्म एम निकाल दी हमने तो क्या हो जाएगा, एम माइनस वन, एक कम नहीं हो जाएगा,
और ये कम होने के बाद ये एज डीज लिख दी भाई। यहाँ तक समझ में आया है? पहले देखो मैंने इसमें से एम्थ टर्म निकाल दी, एम्थ टर्म को हम निकाल सकते हैं, एम पुट कर दिया डायरेक्ट यहाँ, एम्थ टर्म तो यही होगी इसकी। देखो मान लो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो ये जीरो से एम तक है समेशन, वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा एस वन एक्स वन, टू पुट करोगे तो एस टू एक्स टू, अगर बाई चांस आप एम पुट करोगे तो एस एम एक्स एम एम नहीं हो जाएगा, ये निकाल दी। ये निकालने के बाद फिर क्या हो गया, इसमें से एक टर्म निकली है तो एक कम नहीं हो जाएगी, तो एम माइनस वन है ना, और ये तो एच डीज है, और ये यहाँ तक समझ में आया है? इसके इसके साथ क्या छेड़खानी करी है, देखो एन जीरो टू एम समेसन चल रहा है एस एन माइनस वन, भाई इसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया, भाई एक्स तो है नहीं, एक्स कॉमन निकालने का मतलब भाग दे दिया, भाग देने के लिए फिर भाग में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये माइनस की हो जाएगी है ना। तो अब हम यहाँ तो ये लिख देंगे एक्स एन माइनस वन, लेकिन कॉमन निकालना है ना वो बात लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कराया है। यहाँ से तो एंथ टर्म निकाल दी, एक कम होगी, और यहाँ से एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ से एक्स कॉमन निकालने के बाद ये एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना, ये कराया है भाई, ये है जो हमारा रफ काम है। तो अब आगे देखो भाई क्या कराया, तो देखो भाई यहाँ तक हमने कर लिया था, अब एक रिजल्ट हमने था कि एस माइनस वन क्या होता है, जीरो होता है ना। इस रिजल्ट के हिसाब से अगर मैं यहाँ m डायरेक्ट पुट करूँगा, m पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये एस एम माइनस वन, इसके m टर्म एक्स एम माइनस वन, तो वो तो फिर जीरो की तरफ जाएगी ना, तो हम इसमें से एक टर्म कम कर देंगे। देखो कैसे कम करेंगे, ये स्टेप तो एज डीज है भाई, एम एम माइनस वन एस एम एक्स की पावर n, और इसमें से एक स्टेप कम करेंगे, देखो x तो कॉमन था ही, एन जीरो एक कम करेंगे तो टर्म एम माइनस वन हो जाएगी, एम टर्म है तो एक कम करेंगे तो ये, और जो ये वन है ना ये यहाँ से हटा देंगे, मतलब ये कर दिया भाई हमने, और जो ये है ये लास्ट में लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई, ये करा है हमने, यहाँ से एक टर्म हमने इस रिजल्ट के हिसाब से भाई एस माइनस वन जीरो हो जाना, इसलिए माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये माइनस वन हमने दोनों जगह से हटा दिया भाई, और हटा देने के बाद हमने क्या कर दिया, एक टर्म हमने इसकी कम कर दी, मतलब है ना। तो कम करने के बाद हमारी जो ये वैल्यू कहाँ चल रही थी, ए जीरो टू सॉरी एन जीरो टू एम ए एन एक्स की पावर एन, ये तो लेफ्ट मेंबर था, चल रहा था, और अब देखो भाई इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल लूँगा इन दो टर्मों में से, ये जो पूरी है कंप्लीट यहाँ तक, दो समेशन पूरा कॉमन है भाई, देखो एन जीरो टू एम माइनस वन, और एस एन भी कॉमन है और एक्स एन भी कॉमन है, ठीक है, ये टोटल कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचा, ये कॉमन निकालने के बाद मतलब ये वन माइनस एक्स नहीं बचेगा, मैं इसको बाहर लिख लिया, वन माइनस एक्स यहाँ बचेगा, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, और ये जो समेशन है इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ मतलब ये इसी टर्म पर पहुंच जाएंगे हम, इसको इस तरह से ये कॉमन निकाल लिया यहाँ से, यहाँ का बचा वन और यहाँ माइनस एक्स, और फिर ये समेशन बाहर लिख दिया दोनों के, और ये तो भाई लास्ट वाला तो एच डी चल ही रहा है, ठीक है। इस स्टेप का जो कारण है, ये जो स्टेप आया है इसका ये था भाई, ठीक है ना, कि एस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए हमने एक टर्म कम कर दी। अब देखो भाई नाउ फॉर मोड एक्स क्या है भाई, लेस देन वन है, और एक्स कहाँ है, जीरो को टेन कर रहा है, और एम इनफाइनेट को करेगा, और एस एम एस को टेन करे। देखो जब मोड एस लेस है वन से, मान लो भाई हमने 0.2 ले लिया, और एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा, मतलब 0.2 लेंगे तो इसकी पावर बढ़ाएंगे हम, कितनी ही पावर कर ले, सात करेंगे आठ करेंगे, उतना छोटा होता जाएगा, पहले ही वन से छोटा है, और जितनी पावर हम बढ़ाते, हमने पावर नहीं है इसकी यहाँ अनुमान, ये मान लो कि भाई हम इनफाइनेट कर दें, इनफाइनेट तो बहुत बड़ी पावर हो जाएगी, तो मतलब जीरो के बहुत करीब चला जाएगा, अप्रोक्स हो जाएगा ये, है ना, तो इसलिए ये पहले ही कम था भाई, और जीरो और एम की वैल्यू हमने इससे करवा दी कन्वर्ज, तो और एस एम एस से कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसलिए हमने देखो लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी लगा देंगे हम, जो ये रिजल्ट आया है ना इस रिजल्ट में, यहाँ भी लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट
एम टेन टू इन्फिनिटी और यहाँ भी सेम काम, तो भाई ये लगा दी, कुछ भी नहीं करा इस टाइम में, लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी लगा रहे हूँ भाई। ये यहाँ इक्वल है ना, इक्वल लगाओ और लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी, लिमिट को आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो सेम है, वन माइनस एक्स एन जीरो टू एम माइनस वन एस एन एक्स की पावर एन, और यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी एस एम एक्स की पावर एम, ये टर्म मतलब सेम यहाँ भी, ठीक है ना। इतना काम होने के बाद अब देखो भाई, ये इनफाइनेट को कर रहा है तो यहाँ हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, एन जीरो टू एम की जगह इनफाइनेट रख सकते हैं ए एन एक्स एन, इसका तो हुआ भाई ऐसे अब, और लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव माइनस वन क्या होगा, वन माइनस एक्स, इन्फिनिटिव माइनस वन क्या होगा भाई, इन्फिनिटिव ही होगा एस एन एक्स एन, ठीक है ना। अब ये टर्म देखो भाई, ये तो एस की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो ये देखो एस की तरफ, तो एस कॉमन निकाल लिया और लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी, और ये बच गया भाई एक्स की पावर एम। अगर एक्स टेन टू इन्फिनिटी हो और ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है, और यहां पर एक्स क्या था वन से भी छोटा, और इसकी पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा बिल्कुल, जैसे हम वन से छोटा, मैंने एग्जांपल बताया था 0.2 लेंगे भाई, इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे बिल्कुल, जितनी बढ़ाते जाएंगे तो बहुत जीरो के करीब आता जाएगा, पहले ही वन से छोटा है, हंड्रेड कर देंगे, हजार कर देंगे, और ये तो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है, तो इसके लिए तो फिर ये मतलब जीरो हो जाएगा बिल्कुल, नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है भाई, जीरो ही मान लेते हैं हम, ठीक है ना, जीरो ही हो जाएगी नु मान लो, क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर है, तो ये खत्म हो जाएगा भाई, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी जगह जीरो मतलब प्लस जीरो करेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगी टर्म। अब हम इस टर्म के साथ रहेंगे भाई, और इसको देखो मैंने क्या मानना था शुरू में, ये तो पावर सीरीज थी गिवन, इसको मतलब मैंने फंक्शन मानना था ना, फंक्शन था ये, हमने प्रूव करना था एन जीरो टू इन्फिनिटिव एस एन एक्स एन, ये वही फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, और ये खत्म होगी टर्म, ये हम इस रिजल्ट के साथ रहे हैं भाई फिलहाल, इस रिजल्ट के रहने के बाद अब देखो, नाउ सिंस एस एम टेन टू एस, ठीक है, और तो फिर क्या कहेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा, देर एग्जिस्ट इंटीजर एन सच दैट एस एन, अगर ऐसा हो तो एस एन माइनस एस, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या होगा, किसी नंबर से लेस होगा अगर ये हो ना, और तो देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड देर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट इंटीजर एन सच दैट दोनों नंबरों का डिफरेंस एप्सिलॉन बाय टू के इक्वल होगा फॉर ऑल कैपिटल स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, इसको हम यहां तक आ गए भाई हम, ठीक है ना, यहां तक आने के बाद हम ये कह देंगे कि भाई ये इक्वेशन नंबर दो है, ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर दो आने के बाद हम ये कह देंगे कि भाई आल्सो वी हैव, ये जो टर्म अभी मैं डिफाइन करूंगा वन माइनस एक्स समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर एन, अब देखो ये पावर सीरीज है ना एक्स की पावर एन, आप इसको ओपन करोगे और एक्स इनफाइनाइट तक हो जाए तो ये आप नहीं है, मैं इसको आप सदा के लिए याद रख सकते हो कि जीरो टू इनफाइनाइट, अगर एक्स की पावर एन मिल जाए और यहाँ एक्स की पावर इनफाइनाइट हो जाए, इसका उत्तर क्या आएगा भाई, हमेशा आंसर इसका वन अपॉन वन माइनस एक्स आएगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये है, तो मैं इसका आंसर देखो वन माइनस एक्स तो चल रहा है और इसका आंसर मैंने क्या बताया कि वन बटे वन माइनस एक्स आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो
इस पूरी सीरीज को मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये सीरीज वन के इक्वल है, ठीक है ना भाई। ये जो पूरी सीरीज है ये सीरीज वन के इक्वल है। इसका कारण दिया भाई मैंने, क्योंकि ये पावर सीरीज है, इसका आंसर वन माइनस एक्स होता है, और वन माइनस एक्स इसीलिए लिया ताकि ये वन हो जाए, ठीक है ना भाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे भाई, जो ये काम हमने करा है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम आगे इसका यूज करेंगे। तो भाई इक्वेशन नंबर 3 है इसका, यहाँ तक आने के बाद हम 3 इक्वेशन बनाए भाई, ये फंक्शन की वैल्यू और ये 2 नंबरों का डिफरेंस यहाँ से एक, और फिर एक ये सीरीज हमने अपनी तरफ से करी भाई। आप देखो भाई, हैंस 4 n > (N=N) वी हैव। तो अब देखो भाई, हम एक टर्म कंसीडर करेंगे fx-s। हमने क्या करी, कंसीडर करी है भाई। तो अब देखो fx की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूँ भाई। तो भाई इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं। ये देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1-x(n0 to ∞ Sn(xn)। तो भाई यही वैल्यू मैं पुट करूंगा भाई यहाँ देखो। वन माइनस एक्स समेसन n0 to ∞ Sn(xn), ठीक है भाई। यहाँ तक ये वैल्यू पुट करी है, और माइनस में एस जो फंक्शन की वैल्यू थी ना हमारे पास, वही पुट करी है बस, और कुछ भी नहीं करा इस टाइम में। और मोड तो यहाँ लगा रखा है तो वहाँ भी लग जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये काम करे है भाई। अब ये लेफ्ट मेंबर तो मैं इसी को सोल्व करूंगा बस। अब तो 1-x समेशन n0 to ∞ और वही Sn(xn), इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं, एज इट इज है। अब देखो भाई, मैंने एक टर्म बताई थी कि n0 to ∞ हो और x की पावर n तक जा रही हो भाई, और बार 1-x कर दे, क्योंकि इसका आंसर 1-x आना था ना इक्वेशन 3 में मैंने डिफाइन की थी, और फिर 1/1-x आना था, वो कट जाएगा। फिर 1 आया था तो इसके इनटू में 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह मैंने ये डाल दी, और ये s है ना, जो s को यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं करी भाई यहाँ तक, और मोड में वैल्यू चली रही है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो यहाँ 1 जो डाल रहा है ना, और फिर जो ये सीरीज है, तो आप ये कह सकते हैं कि बाई इक्वेशन 3 हमने मतलब ये रिप्लेस कर दी भाई, s तो एज इट इज है, 1 की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। देखो भाई, हमने थर्ड जो इक्वेशन बताई थी ना, ये x की पावर n, ये भाई इसका पूरा रिजल्ट 1 बता था, क्योंकि ये 1/1-x के था, ये कटने के बाद 1 आया था, तो ठीक है ना। तो ये 1 के इक्वल है, तो हम इसको पुट कर दिया, और s यहाँ लगाए थे, तो यही करा है भाई। आप देखो 1-x Sn(n0 to ∞) अब देखो भाई, ये बिल्कुल सेम है, समेशन दोनों में सेम है ना, और 1-x भी सेम है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैं इन दोनों चीजों को कॉमन निकाल लूंगा भाई, और कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो बचेगा Sn और वहां बचेगा s, और Xn है ना, देखो इसके साथ Sn, इसके साथ भी है Sn-s, और Xn यहाँ बाहर लिख दिया, और 1-x और समेशन, बिल्कुल इन दोनों में से देखो, ये जो समेशन है यहाँ, ये तो बिल्कुल बाहर लिख दिया भाई, लिख दिया, और यहाँ ये दोनों टर्म इस तरह से बचेगी ना, Sn(xn) s(xn), तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये नहीं आ जाएगा भाई, तो फिर ये हमने डायरेक्ट पुट कर लिया यहाँ, और जो मोड है वो तो कंप्लीट पर चली गया भाई, ठीक है। अब तो भैया हम आगे क्या करेंगे, अब 1-x
और जो मॉडुलस है ना ये पूरे पर है, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी भाई हमने पिछली में भी बताया था, तो यहाँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी काम करेगी। और फिर जो समेशन एन जीरो टू ये इनफाइनेट तक समेशन है, तो अबेल सेकंड थ्योरम में और ट्यूबर थ्योरम में भी हमने ये काम किया था, एन तक ले लिया और जो एस एन माइनस वो वो पूरे पर समेशन था यहाँ आ गया और एक्स एन, ठीक है ना। और यहाँ से इसको मैंने तोड़ लिया है, मतलब एन जीरो टू एन, और फिर यहाँ हमने कर दिया भाई एन जीरो टू एन प्लस वन, मतलब कैपिटल एन वहाँ ले रखा है तो कैपिटल एन कर दो, स्मॉल है तो स्मॉल कर दो, और अब इनफाइनाइट, ठीक है ना। एन एन प्लस वन, यहाँ एन है तो वहाँ नेक्स्ट ले ली और इनफाइनाइट तक, ठीक है। और जो एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन यहाँ ले लिया, वन माइनस एक्स भी बार ले लिया, ठीक है भाई। ये तो वन था ना वैल्यू, वन थी ये वैल्यू। तो अब लेस देन इक्वल का निशान तो चल ही रहा है भाई, और तो भाई ये होने के बाद ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करने के बाद यहाँ एक एप्सिलॉन बाय टू आएगा भाई, ठीक है ना। एप्सिलॉन बाय टू ये वन है, ये एप्सिलॉन बाय टू से लेस है, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल टू का निशान चल ही रहा है भाई, वन माइनस एक्स समेशन एन जीरो टू एन एस एन माइनस एस एक्स की पावर एन, और ये पूरी वैल्यू बताई थी ना वन थी, तो ये वन, तो यहाँ क्या बचेगा एप्सिलॉन बाय टू। अब किसी ने किसी तरह हमने इस वैल्यू को और एप्सिलॉन बाय टू दिखाना, फिर एप्सिलॉन बाय टू तो दो एप्सिलॉन बाय टू, दो से दो कट जाएगा, एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी, तो हम इसको बता देंगे कि जो ये टर्म है ये फोर, हम ये बता देंगे नाउ फॉर ए फिक्स्ड एन, जो ये टर्म है ये कंप्लीट टर्म, मैं इसको आई वन कह देता हूँ, जो ये मतलब आई वन टर्म है जो इज कंटिन्यूज, कंटिन्यूज को मैंने इस तरह लिख दिया, कंटिन्यूज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स हैविंग जीरो वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। अगर x इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो फिर ये जीरो हो जाएगी ना, तो हमने ये बता दिया कि नाउ फॉर फिक्स्ड n, जो आई वन मान लिया मैंने इस टर्म को, ठीक है ना, पूरी को, आई वन टर्म इज मतलब कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x है, और ये क्या हो गई जीरो एट x इज इक्वल टू वन, तो इसका मतलब तो फिर ये क्या हो गया, जो वन माइनस एक्स, ये जो पूरी आई वन टर्म कह लो आप, पूरे दोबारा दोबारा लिखोगे आई वन टर्म, इसका मतलब तो क्या होगी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू होगी, और एप्सिलॉन बाय टू होगी, तो एक बात और कह देंगे कि व्हेन एवर वन माइनस डेल, और एक्स की वैल्यू है ना वन माइनस डेल और वन के बीच में है, तो इसका मतलब तो हम कहाँ है कि लेफ्ट मेंबर क्या चल रहा था एफ एक्स माइनस एक्स का मोड यहाँ से, और अब बराबर में क्या चल रहा था एप्सिलॉन बाय टू तो था एक, और इसकी वैल्यू भी हमने एप्सिलॉन बाय टू बता दी, और ये एप्सिलॉन बाय टू चल ही रहा था, तो एप्सिलॉन टू बाई टू क्या हो जाएगा दो एप्सिलॉन बाय टू, और ये तो ये कट जाएगा भाई, तो हमने क्या दिखा दिया, तो एफ एक्स माइनस एस है ना, देखो यहाँ ये लेस देन इक्वल का निशान चल रहा है तो लेस देन इक्वल का ही चलेगा, और अब हमने ये जो एफ एक्स माइनस एक्स का अंतर था ये लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया है भाई, तो हम क्या कह सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो लिमिट है एक्स टेन टू वन के लेफ्ट के लिए फंक्शन एस होगा भाई, इक्वल एस होगा, तो जो सीरीज है एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन, तो यही था भाई प्रूफ इसका, ठीक है ना, मतलब इसको हमने एप्सिलॉन ही दिखाना था। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर कभी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।